स्थानीय निकाय चुनाव से पहले पहुंचेगा आरजे रमझाजर आपके नगर या गांव में और जनता पूछेगी सवाल ताल ठोक के। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाजर और मैं हूं पुखराज सिंह। सरकार के द्वारा शिक्षा गुणवत्ता को लेकर अनेक मुहिम चलाया जा रहा है जिससे स्कूल शिक्षा में सुधार आ सके, लेकिन सरकारी शिक्षक की लापरवाही कुछ और ही बयां कर रही है जिससे स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों का भविष्य खतरे में जान पड़ती है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। यह पूरा मामला बलौदाबाजार जिले के भाटापारा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत गुड़ा खाट का है, जहां पर स्कूल में शिक्षक 3 पदस्थ हैं, लेकिन अक्सर स्कूल से 2 शिक्षक हमेशा गायब रहते हैं, जिस पर अधिकारियों के द्वारा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। दरअसल यह ग्राम पंचायत गुड़ा खाट बिलासपुर जिले और बलौदाबाजार जिले के बॉर्डर पर है, जिससे अधिकारी लास्ट छोर तक ध्यान देने में असमर्थ हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि उन गांव के बच्चों का भविष्य के बारे में प्रशासनिक अधिकारियों को किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं है और इसीलिए अधिकारी भी मौन बैठे हुए हैं। स्कूल के बच्चों को कुछ भी जानकारी पूछे जाने पर पूर्ण रूप से जवाब नहीं दे पाते हैं। स्कूल का नाम भी बता पाना बच्चों के मुंह से मुश्किल जान पड़ता है, जिससे साफ जाहिर होता है कि वहां के पदस्थ शिक्षकों के द्वारा कितनी लापरवाही बरती जा रही है। साथ ही छोटे छोटे स्कूली बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। का नाम है बेटा? तो आशीष। केजनपुर जी बताए यहाँ? तीन जन वहाँ कौन गुरुजी अभी रुके गया? हाँ, ये दूसरा। और दो गुरुजी बन कहाँ गए बेटा? मैंने चल दी। क्या बजे की? ओ दस बजे साढ़े 10 बजे की। कत्ता पढ़ते? आठवीं। कौन से स्कूल है? सासवीं प्राथमिक विद्यालय नंगुड़ा। क्या जन गुरुजी बताया? हाँ, तीन। अभी कौन गुरुजी रुके गया? हाँ, एदू। और दो गुरुजी बन कहाँ गए? उमन दूर से तो मीटिंग में जाते, लेकिन आज कहाँ गए पता नहीं। क्या बजे गायब हुए? ओ 10 या 10:30 बजे होगी। अच्छा, दोनों को 10:30 बजे? नहीं, एक जन पहले वो बड़े सर की सखाबात को सर। रिसोर अधिकारियों का ध्यान नहीं जा पाना किसी न किसी प्रकार से अधिकारियों के ऊपर भी सवालिया निशान खड़े करते दिख रहा है, और अधिकारियों द्वारा शिक्षकों के ऊपर किसी भी प्रकार की कोई कड़ी कार्रवाई नहीं किए जाने से गैर जिम्मेदार शिक्षकों के हौसले बुलंद होते नजर आ रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि खबर के प्रकाशन के बाद जो शिक्षक नदारद रहते हैं उनके ऊपर क्या कार्रवाई की जाती है, और बलौदाबाजार जिले के भाटापारा क्षेत्र के शिक्षक अधिकारी इस पर ध्यान देते हैं कि नहीं, और बच्चों का भविष्य कितना सवार पाते हैं। ये शासकीय प्राथमिक विद्यालय नंगुड़ा का है। आप कौन सा प्रभारी सर? मैं तो अभी मेरे और सीनियर हैं, प्रभारी सर हैं, और एक और है दूसरे में तीसरा नंबर में। अच्छा, माने वो विजय सर आए थे, वो प्रभारी में हैं, वो तो डांट छोड़ने के लिए निपलिया गए हुए। कितना टाइम गया सर? वो लगभग 10:30 को निकल गया। और एक 10 पौने 11, वो लगभग 11:10 के आसपास निकले। वो अपने पर्सनल काम से बैंक गए हैं भाटापारा जी, और जो विजय है प्रभारी वो भ्रमण पंजी में लिखे गए हैं। मतलब डीएमओ को कोई आदेश वर्देश लिए हैं कि मैं भी मैं अपने पर्सनल काम से जा रहा हूँ ऐसा कर? डीओ से नहीं लिए, नहीं लिए, वो भ्रमण पंजी में लिख दिया तो चले गए। बलौदाबाजार से गीता घृतलहरे के साथ मरहरण बंजारे की रिपोर्ट, आरजे रमझाजर। अगर आप चाहते हैं मीडिया में अपना करियर बनाना, रिपोर्टर राइटर या फिर एडिटर बनना, तो आज ही संपर्क करें आरजे रमझाजर में। हमारा पता है सुरखी घाट बाईपास रोड, पड़ाव चौक, मुंगेली।